हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, किस प्रकार से ये जो पॉइजन है ह्यूमन की बॉडी को अफेक्ट करता है, किस प्रकार से इसका जो कंसंट्रेशन है ह्यूमन के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। सो जो ये पॉइजन है, ये कैटेगरी जिसका नाम है टॉक्सिकोलॉजी, उसका एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी होता क्या है। टॉक्सिकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स पॉइजन, पॉइजन। और लॉजी मीन्स स्टडी, STUDY। सो टॉक्सिकोलॉजी को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम स्टडी ऑफ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पॉइजन, स्टडी ऑफ पॉइजन। ये जो टॉक्सिकोलॉजी है, ये टॉक्सिकोलॉजी एक तरह का ब्रांच है साइंस का, जो कि डील करता है स्टडी ऑफ पॉइजन इंक्लूडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस मैकेनिज्म के द्वारा ये शरीर में एक्ट करते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है, और वेरियस ट्रीटमेंट प्रोड्यूस बाय द पॉइजन, वेरियस कंडीशन प्रोड्यूस बाय द पॉइजन। सो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इसको। सो जो टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजन इंक्लूडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कंडीशन प्रोड्यूस बाय द पॉइजन। अगर हम इसके टाइप्स देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी के, तो टॉक्सिकोलॉजी के तीन टाइप्स होते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल NMENTAL टॉक्सिकोलॉजी कोलोजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। सेकंड जो हमारा आता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। और जो थर्ड आता है लास्ट टाइप्स, ये हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, MENTAL एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। सो अब हम देखते हैं पॉइजन। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे पॉइजन होता क्या है, किस प्रकार से ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, और फिर ड्रग देखेंगे कौन से ड्रग है जो कि इस पॉइजन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सो सिंपली हम पॉइजन को डिफाइन कर सकते हैं। सो एनी सब्सटेंस डैट कैन कॉज सीवियर ऑर्गेन डैमेज और डेथ इफ इंजेस्टेड ब्रीथ और एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारा सीवियर ऑर्गेन डैमेज कॉज कर रहा है और डेथ कॉज कर रहा है, अगर हम इंजेस्ट करते हैं उसको या एब्जॉर्ब करते हैं या सांस के द्वारा लेते हैं, यह एब्जॉर्प्शन होती है उसका जो शरीर के सरफेस से, किसी भी बॉडी पार्ट से जब एब्जॉर्प्शन होता है स्किन से, जब बॉडी स्किन से जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो हमारे सीवियर बॉडी डैमेज कॉज करता है, तो उसको हम पॉइजन कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एनी थिंग इज पॉइजन, ऑलमोस्ट एनी थिंग इज पॉइजन, थिंग इज पॉइजन SION, बिकॉज मेडिसिन इज टॉक्सिक, मेडिसिन इन हाई डोजेज कॉज पॉइजन, DICINE, मेडिसिन इन हाई डोज, हाई डोज पॉइजन एक्ट एज पॉइजन, एंड पॉइजन इन लो डोज, इन लो डोज एक्ट एज मेडिसिन, DICINE। सो एनीथिंग इज पॉइजन, मेडिसिन इन हाई डोज एक्ट एज पॉइजन, और पॉइजन इन लो डोज एक्ट एज मेडिसिन। अब हम देखेंगे पॉइजन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पॉइजन में इंक्लूड किया गया है ओवरडोज ऑफ इलीगल ड्रग्स, जब इलीगल ड्रग की ओवरडोज हो जाती है, और हम सिंपली कह सकते हैं जब हम मेडिसिन लेते हैं हाई अमाउंट में और टॉक्सिक अमाउंट में, जब मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है और पॉइजन की तरह एक्ट करता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सो सबसे पहला है जो हमारा है ओवरडोज ऑफ इलीगल ड्रग्स, ओवरडोज ऑफ
इलीगल ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट PRODUCT, सच एज लॉन्ड्री प्रोडक्ट, लॉन्ड्री पाउडर, फर्नीचर पॉलिश, सच एज लॉन्ड्री पाउडर DRY पाउडर और फर्नीचर पॉलिश NITU फर्नीचर पॉलिश। ये जो मोस्टली फर्नीचर पॉलिश, लॉन्ड्री पाउडर, ये अधिकतर बच्चों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे फर्नीचर पॉलिश पॉलिश को इंजेस्ट कर लेते हैं कई कारणों से, इसके तरह पॉइजन की तरह एक्ट करता है ये सब। उसके बाद देखते हैं पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये भी एक्ट करता है पॉइजन की तरह। मेटल्स, जिसको हम हैवी मेटल पॉइजन के नाम से जानते हैं, मेटल्स सच एज, मेटल्स सच एज लेड, मरकरी, लेड मरकरी ETC, और लेड मरकरी, आर्सेनिक, आयरन, सो कई तरह के जो मेटल्स है वो एक्ट करते हैं पॉइजन की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी एक्ट करता है पॉइजन की तरह। अब हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, क्या होता है जनरल प्रिंसिपल टॉक्सिकोलॉजी के, किसी भी पॉइजन को स्टडी करने के लिए क्या क्या हमें आवश्यक होता है, अब हम पढ़ेंगे। सो अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। जब कोई मैन है, जब पॉइजन खा लेता है, इनटेक कर लेता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है पॉइजन की, और आइडेंटिफाई की जाती है पॉइजन की, कौन सा पॉइजन खाया है। अगर हम ऐसे ही ये स्टार्ट कर दे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, ये जैसे कि एब्जॉर्प्शन को रोके, अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को हम रिमूव करना स्टार्ट कर दे, उसके लिए अगर हम अगर इमेटिक्स दे देते हैं हम ये रिमूव करने के लिए अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के केस में, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कॉस्टिक पॉइजन में और पेट्रोलियम डिस्टिलेट पॉइजन में, क्योंकि ये स्वेलिंग ऑफ टिश्यू कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन टिश्यू में कॉज करता है। इसीलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉइजन को, उसके बाद फर्दर जो स्टेप होता है, जैसे प्रिवेंटिंग द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, उसके एब्जॉर्प्शन को रोकना होता है, फिर जो एब्जॉर्ब पॉइजन होता है उसको ख़त्म करना होता है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहला हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइजन। सो सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन और आइडेंटिफाई द पॉइजन। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कौन सा पॉइजन खाया है, किस टाइप का पॉइजन खाया है, क्योंकि कई तरह के पॉइजन होते हैं, हैवी मेटल पॉइजन और ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन, एट्रोपाइन पॉइजन। सो इससे हमें पता चलता है किस तरह का पॉइजन है, उस किस तरह का पॉइजन उस व्यक्ति ने इनटेक किया है। और सेकंड जो हमारा आता है स्टेप, प्रिवेंट द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, प्रिवेंट द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। इसके बाद प्रिवेंट करते हैं हम फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं वोमिटिंग एजेंट इंड्यूस करते हैं, इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग एजेंट, जैसे कि सिरप ऑफ इपिका इज प्रिफर्ड एज इमिटिक्स, सिरप ऑफ इमिटिक, ये इपिका देते हैं क्योंकि ये इमिटिक्स की तरह काम करता है, ये स्टमक को जल्दी ही खाली करा देता है। सो इसमें हम प्रिफर करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं इंडक्शन ऑफ इमिटिक्स, इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग एजेंट, वोमिटिंग एजेंट, वोमिटिंग एजेंट के रूप में हम जो प्रिफर करते हैं सिरप ऑफ इपिका, सिरप ऑफ इपिका, क्योंकि जो इपिका होता है ये फोर्सफुल इम्पैटी स्टमक को इम्पैटी कर देता है, फोर्सफुल इम्पैटिंग द स्टमक, जिसके कारण ये प्रिफर्ड एज इमिटिक्स के रूप में इसे माना गया सिरप ऑफ इपिका को। इसकी जो डोज दी जाती है, डोज ऑफ इपिका, डोज ऑफ इपिका सिरप, डोज ऑफ इपिका सिरप जो होती है 15 ml होती है फॉर चिल्ड्रन के लिए, 15 ml फॉर चिल्ड्रेन।
और जो होते हैं 30 ml फॉर एडल्ट, 30 ml फॉर एडल्ट। सो अगर हमें, जैसे कि अगर हम आइडेंटिफाई ना करें पॉइजन को, कौन सा पॉइजन है, अगर हम इमिटिक्स दे दिए जैसे कि सिर्फ एपिका दे दिए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कॉस्टिक पॉइजन में और पेट्रोलियम डिस्टिलेट पॉइजन में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर रखा है। अब हम देखते हैं दूसरा जो स्टेप होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग एजेंट। जो सेकेंड स्टेप है अनअब्जॉर्ब पॉइजन को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, सेकेंड स्टेट जो है हमारा स्टेप गैस्ट्रिक लीवेज, गैस्ट्रिक लेवेज। और जब हम ये जो वोमिटिंग एजेंट और इमिटिक्स नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में हम गैस्ट्रिक लीवेज का उपयोग करते हैं। सो जो सेकंड है हमारा गैस्ट्रिक लीवेज, ये गैस्ट्रिक लीवेज अभी जैसे कि बता दिया हमने, सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जब होती है वोमिटिंग, उस केस में भी दिया जा सकता है, तो उस केस में भी हेल्पफुल होता है ये गैस्ट्रिक लीवेज। इस केस में होता क्या है गैस्ट्रिक लीवेज, गैस्ट्रिक लीवेज एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, लिटाने के बाद उसको पाइप इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है उसके माउथ के द्वारा स्टमक में। स्टमक में जैसे ही उसके पाइप इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो यहाँ से फोर्स लगता है जिसके द्वारा जो स्टमक से अनअब्जॉर्ब फूड के साथ पॉइजन भी बाहर निकल जाता है। सो अब जो थर्ड देखते हैं, थर्ड है यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, VATED चारकोल। इसे हम यूनिवर्सल एंटीडॉट भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडॉट। ये जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को, जिसके कारण जो गैस्ट्रो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन होता है वो डिले हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ये एब्जॉर्ब कर लेता है पॉइजन को, जिसके कारण जो गैस्ट्रो एब्जॉर्प्शन होता है वो पॉइजन का वो डिले हो जाता है। सो हमने अब आइडेंटिफिकेशन कर लिया पॉइजन का, उसके बाद अभी अनएब्जॉर्ब जो पॉइजन थी उसको हमने रिमूव भी कर दिया। अब जो थर्ड आती है पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मेंटेन अ क्लियर, मेंटेन मेंटेन अ क्लियर एयर वे फॉर इनहेल्ड पॉइजनिंग, क्लियर एयर वे फॉर इनहेल्ड पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजनिंग के लिए मेंटेन करेंगे क्लियर एयर वे। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आती है, पहले थर्ड स्टेप देख लेते हैं पॉइजनिंग, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वॉश द आइज एंड अदर बॉडी सरफेस फॉर प्रिवेंट लोकल पॉइजनिंग को, हम लोकल पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए वॉश करते हैं आइज और अदर सरफेस ऑफ बॉडी, वॉश आइज एंड अदर सरफेस ऑफ बॉडी, अदर सरफेस ऑफ बॉडी फॉर प्रिवेंट लोकल पॉइजनिंग, फॉर प्रिवेंट लोकल पॉइजनिंग, लोकल पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं लोकल पॉइजनिंग। और जो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है मेंटेन करेंगे ब्लड प्रेशर और अदर रिलेटेड बॉडी फंक्शन, अदर बॉडी फंक्शन को हम मेंटेन करेंगे, मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एंड अदर बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन को मेंटेन कर दिए। सो अभी हमने देखा, अभी तक हमने जो देखा आइडेंटिफाई किए हमने पहले पॉइजन को, उसके बाद अनएब्जॉर्ब पॉइजन को हमने शरीर से बाहर निकाला है। अब हम जो निकालेंगे एब्जॉर्ब पॉइजन को, अब देखेंगे किस प्रकार से, वो तो हमने निकाला था जो कि अनएब्जॉर्ब फॉर्म में था, तो सिंपली हम इमिटिक्स दे दिए और गैस्ट्रो लीवेज के द्वारा हमने उसको अनएब्जॉर्ब पॉइजन को फूड के साथ बाहर निकाल दिया। अब हम देखेंगे किस तरह से जो एब्जॉर्ब हो चुकी है पॉइजन उसको किस तरह से बाहर निकालेंगे। सो जो इसमें है फास्ट इलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजनिंग, किस तरह से करते हैं फास्ट इलिमिनेशन, इलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजनिंग, पॉइजनिंग किस तरह से करते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट हम करेंगे अल्टर कर देंगे पीएच ऑफ यूरिन, फर्स्ट अल्टर
पीएच ऑफ यूरिन। जो यूरिन का पीएच है इसको अल्टर करके हम पॉइजन को, एब्जॉर्ब पॉइजन को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमारा पॉइजन बेसिक है तो यूरिन को हम एसिडिक कर देंगे, अगर हमारा पॉइजन एसिडिक है तो हम यूरिन को बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर एसिडिक पॉइजन है जैसे फिनोबार्बिटोन, तो हम यूरिन को है जो बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे अगर हमारा एसिडिक ड्रग है जैसे कि फिनोबार्बिटोन, और हमारा बेसिक ड्रग है जैसे क्यूनिन, तो हम जो यूरिन को है एसिडिक में कन्वर्ट कर देंगे। क्यूनिन जो बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस TANCE क्यूनिन, QUININE। तो हम ये जो बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक ड्रग है, तो हम क्यूनिन को ये जो यूरिन को है हम एसिडिक में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारा एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक ड्रग जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, तो हम जो ये है यूरिन को कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा एसिडिक ड्रग है तो बेसिक में कन्वर्जन कर देंगे। इस तरह से कन्वर्जन से हमारा अल्टर हो जाता है पीएच ऑफ यूरिन, जिसके द्वारा जो एब्जॉर्ब पॉइजन है शरीर के बाहर निकल जाता है। दूसरा जो स्टेप है हम कर सकते हैं, सेकेंड हम डायुरेटिक्स दे सकते हैं। डायुरेटिक्स का जैसे कि आपको फंक्शन पता ही होगा किस तरह से डायुरेटिक्स काम करते हैं। जो डायुरेटिक्स काम करते हैं ये सोडियम की रिटेंशन हमारे बॉडी से कम कर देते हैं, सोडियम की जो कंसंट्रेशन हमारे बॉडी से कम कर देते हैं, और हमें पता है कि सोडियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर रिटेंशन के लिए, तो वो डायुरेटिक्स होती है वाटर की जो कंसंट्रेशन हमारे शरीर से बाहर निकालती है यूरिन के द्वारा, तो उस वाटर के साथ हमारा जो पॉइजन है वो भी बाहर आ जाता है। तो हम सिंपली यूज करेंगे डायुरेटिक्स जैसे कि मैनिटोल फ्यूरोसिमाइड। जो थर्ड हमारा है, सेकंड में हमने अल्टर कर दिया पीएच, यूरिन का पीएच, जिसके कारण ये जो पॉइजन है इसका शरीर से बाहर निकल गया। दूसरा हमने डायुरेटिक्स यूज कर लिया ताकि वाटर के साथ ये भी जो पॉइजन है हमारे शरीर से बाहर निकल गया। थर्ड स्टेप है हम डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस जो मेनली किया जाता है मैथेनॉल पॉइजनन के साथ और स्नेक बाइट में हम करते हैं। मैथेनॉल पॉइजनिंग में किया जाता है एंड स्नेक बाइट में किया जाता है, स्नेक बाइट में करते हैं हम डायलिसिस। फोर्थ जो स्टेप हम कर सकते हैं कैथार्टिक्स यूज कर सकते हैं, CATHTICS कैथार्टिक्स को यूज कर सकते हैं। जब हम कैथार्टिक्स यूज करेंगे तो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस का फास्ट रिमूवल होगा, फास्ट रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, OVAL ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस TANCE। सो इसका जो एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल में हमारा आता है मैग्नीशियम सिट्रेट, ये कैथार्टिक्स का एग्जांपल है मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम सल्फेट। अब देखेंगे यूज ऑफ एंटीडोट, किस तरह से एंटीडोट यूज करते हैं डिफरेंट पॉइजनिंग में। सो एट्रोपाइन, जैसे कि एट्रोपाइन एंटीडोट है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए, एट्रोपाइन जो एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। डेसफेरॉक्सामाइन जो है आयरन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है। इथाइल एल्कोहल जो कि मैथेनॉल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है। सो इस तरह से एंटीडोट यूज किया जाता है डिफरेंट पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है, एट्रोपाइन पॉइजनिंग क्या होता है, डिफरेंट हैवी मेटल पॉइजनिंग के डिफरेंट जो हैवी मेटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारे वीडियो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।